वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये पूरा एक वृत्ताकार कुंडली हो गई, ये केंद्र हो गया ओ, ओ से अक्ष के अनुदेश एक बिंदु स्मॉल एक्स दूरी पर स्थित है, ये बिंदु पी है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक अल्पांश खंड मान लिया हमने, इसका नाम है ए बी, क्या है ए बी, इसकी लंबाई है डीएल, इतनी लंबाई कितनी है डीएल। अब यहां से P बिंदु के बीच की दूरी यानी अल्पांश खंड से P बिंदु के बीच की दूरी मान लिया हमने R है, क्या है R, ठीक। अब P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो इस दिशा में होगी, अब पूछो आप इस दिशा में कैसे होगी, इस दिशा में ऐसे होगी DB की दिशा, क्योंकि अल्पांश खंड के कारण, अल्पांश खंड के कारण P बिंदु को मिलाने वाली रेखा और B जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो लघु अवयव और P बिंदु को मिलाने, P बिंदु को मिलाने वाली रेखा दोनों के लंबवत होती है, इसलिए DB को हमें इतना शेप देना पड़ेगा ताकि ये 90 अंश बन जाए, बन गया ये 90। अब यहां पर दूसरी बात हमें ये समझना है, ये कोण मान लीजिए अल्फा है, ठीक है, ये कोण मान लिया हमने, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल ए है, क्या है स्मॉल ए। अब जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत डीबी इस दिशा में है, तो जब ये कोई दिशा से कोण बनाती है, जैसे यहां पर अल्फा कोण बन रहा है अक्ष के साथ, ये रेखा कौन सी रेखा जो लघु अवयव को पी बिंदु से मिला रही है, वो रेखा यदि अल्फा कोण बनाती है तो निश्चित तौर पर डीबी के दो घटक हो जाएंगे। घटकों के बारे में आपने विशेष तरीके से पढ़ा था कक्षा 11 में, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, दो घटकों के बारे में जब वियोजन किया जाता है किसी भी भौतिक राशि का वियोजन किया जाता है तो वो दो घटकों में वियोजित हो जाता है, समझ लो वो दो घटकों में वियोजित हो जाता है, एक क्षैतिज घटक और एक लंबवत घटक। तो एक घटक तो आपका यह आ गया अक्ष के अनुदेश, इसे हम कह देंगे डीबी साइन थीटा, साइन थीटा नहीं अल्फा कोण बन रहा है मतलब अल्फा, ठीक है। इसके बाद एक हो जाएगा लंबवत, ये हो गया आपके पास में, ये बन जाएगा डीबी कॉस अल्फा, और ये कोण अल्फा है, ये कोण क्या है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एक लघु अवयव यहां मानते, मान लीजिए ए डैश बी डैश है, इससे अगर हम इस पी बिंदु को मिलाते तो भी यही कंडीशन होती, इसके अकॉर्डिंग ये जाता 90 पे, ये होता आपका डीबी वेक्टर, ये डीबी साइन थीटा इसी दिशा में रहता और डीबी कॉस थीटा जस्ट नीचे आ जाता, डीबी कॉस थीटा कॉस अल्फा, ठीक है। ये पूरा डायग्राम क्रिएट हुआ। अब जरा समझो बात को, बायो सेवर्ट नियम से समझना जरा, वो कहता है अल्पांश खंड को पी बिंदु से मिलाने वाली रेखा, इस अल्पांश खंड के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी यहां पे हम लिखेंगे लघु अवयव के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो लघु अवयव के कारण निकाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हो गया डीबी जी लग जाएगा, बराबर में कितना होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या यहां मानी हमने ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और धारा पर दर्शाई नहीं है, ये बह रही है धारा, ठीक है, ये बह रही है धारा, क्या हो गया थीटा कहीं नहीं दिखाई दे रहा, थीटा दिखाई नहीं देगा, थीटा होता है, अब हम यहां चेक करेंगे कि वो थीटा कितना है, वो थीटा है 90, ये देखो कितना है 90। तो वो थीटा का मान हम यहां पर रखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर कितना हमारे पास में, पिछले वाले में भी हमने यही पढ़ा था डेरिवेशन में, इस वाले में भी यही है, थीटा बराबर 90, तो डीबी की वैल्यू क्या जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर, राइट।
ये बना हमारा लघु अवयव के कारण अक्ष के अनुदेश एक बिंदु P था, वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनी। अब हमें यहाँ पर ये देखना है, चूंकि यहाँ पर हम शॉर्ट भी लिखे दे रहे हैं आपको, डिटेल में थ्योरी में लिखवा देंगे, चूंकि डीबी को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, कितने घटकों में, नंबर एक अक्ष के अनुदेश कितना माना था हमने, डीबी साइन अल्फा, नंबर दो अक्ष के लंबवत क्या हो जाएगा, डीबी कॉस अल्फा। अब यहां पर चूंकि कंडीशन ये है कि डीबी कॉस अल्फा ऊपर की दिशा में और डीबी कॉस अल्फा नीचे की दिशा में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस दोनों के मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण में दोनों बराबर हैं, अर्थात वैल्यू में दोनों बराबर हैं, तो जब विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। मतलब यह हुआ कि इनका बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य। भाई आप एक बार बताओ, एक प्लस पांच है और एक माइनस पांच है, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम कंडीशन में, बराबर में है परिमाण में, तो ये जीरो हो जाएंगे। तो ये वाले घटक तो जोड़ना नहीं है, क्योंकि होता ये है कि जब हम ग्रैंड टोटल निकालते हैं तो जो क्षैतिज घटक होता है उनका योग निकालते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक होता है उनका योग निकालते हैं, फिर ग्रैंड टोटल निकालते हैं। तो यहां पर जो डीबी कॉस अल्फा तो निरस्त हो गए, तो ये तो खत्म। अब बचा क्या, डीबी साइन अल्फा, इसी का हम ग्रैंड टोटल कर लेंगे, चाहे इसके अवयव के कारण हो या इस अवयव के कारण हो, दोनों अवयवों के कारण समान दिशा में है, एक ही दिशा में है डीबी साइन अल्फा। तो पूरी कुंडली के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, डिपेंड करेगी डीबी साइन अल्फा पर, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि डीबी कॉस अल्फा समान व विपरीत है, समान व विपरीत है, अतः परस्पर निरस्त हो जाएंगे, ये निरस्त हो गए, और डीबी साइन अल्फा का बीजगणितीय योग मिल जाएगा, तब संपूर्ण कुंडली के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी आएगी वो क्या आएगी, समाकलन डीबी, समाकलन का चिन्ह ही ऐसा, डीबी बराबर समाकलन का चिन्ह किसका, डीबी साइन अल्फा, राइट। इसका ग्रैंड टोटल कर देंगे डीबी साइन अल्फा। अब सुनो बात को, क्योंकि हमको ये पता है कि साइन अल्फा बराबर, आपने पढ़ा है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, पढ़ा होगा कक्षा 10 में, लंब बटे कर्ण, लंब कोण के सामने की भुजा को माना जाता है, तो ये अल्फा है, अल्फा के सामने की भुजा ये लंब है, ये पूरा कर्ण है और ये आधार है, दिख भी रहा है समकोण त्रिभुज, तो साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी साइन अल्फा बराबर ए बटे आर, तो ये मिल गया हमें ए बटे आर। अच्छा, ये डीबी का समाकलन करेंगे तो बी अकेला आ जाएगा, और यहां पर समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, डीबी का मान कितना निकाला था बेटा, ये था आपके पास में म्यू नॉट अपॉन 4π आईडीएल अपॉन ए स्क्वायर गुणा साइन अल्फा का मान ए बटे आर, क्या ए बटे आर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ए से ए कैंसिल, म्यू नॉट बाहर 4π बाहर, ए से ए कैंसिल हो गया, एक ए बचा, आर बचा, आई बचा, आई अपॉन ए आर नहीं बचा, और यहां पर बचा डीएल, डीएल मतलब लघु अवयव, लघु अवयवों को सबको जोड़ देंगे तो वो पूरी परिधि बन जाएगी, पूरी परिधि बन जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा, चूंकि हम लिखेंगे समाकलन डीएल की वैल्यू हमारे पास में है 2πa, कहीं और तो नहीं मिस्टेक किया अपन ने, 2πa, ठीक है। तो b बराबर हमारे पास में आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π आई अपॉन ए आर इंटू डीएल की वैल्यू
टू पाई ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, एक मिनट ए से कैंसिल हुआ, आर अकेला बचा, आर बराबर इतना आ गया, एक आर का मसला हो रहा कहीं, रुक जाओ कहाँ है, आईडीएल ए बटे आर बटे में आर स्क्वायर कहाँ से आ गया था, बटे में आर स्क्वायर कहाँ से आ गया था, यहाँ पे मिस्टेक है, देखो सुनो एक मिस्टेक ही चल रही थी, क्या हो गया बेटा छिपकली है, तुम खुद ही छिपकली हो फिर भी छिपकली से डर रही है, ऐसा तो ना करो, देखो यार एक मिस्टेक ये चल रही है अपनी, कि ये जो ए स्क्वायर रखे ए स्क्वायर नहीं है भाई, लघु अभिव्यव के कारण पी बिंदु के बीच की दूरी तो आर है, ये मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर क्या आएगा आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा आर स्क्वायर, ठीक है बाकी सब कुछ ठीक था, यहाँ क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है फिर ये ए अपॉन आर हो गया, तो ये क्या आ जाएगा म्यू और आई इंटू ए आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आर क्यू, ठीक है यहाँ आ जाएगा आर क्यू, ये मिस्टेक चल रही थी, अब ये है टू पाई ए के बराबर, तो यहाँ पर आपका क्या बचा था म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई ए अपॉन आर क्यू इंटू टू पाई ए, ठीक तो ये वैल्यू मिल गई हमें म्यू जीरो अपॉन, अब सुनना म्यू जीरो आई ए स्क्वायर, ठीक है पाई से पाई कैंसिल, दो से दो कैंसिल, दो आर क्यू, इतना मिल गया दो आर क्यू। आप जरा सुनो क्योंकि हमको ये पता है कि r बराबर फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय पे आ जाओ, ये समकोण त्रिभुज है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, बोलो ठीक है ना, मतलब हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, बोलो ठीक है ना, तो बी बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, बी बराबर हमारे पास में आ जाएगा म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन में है 2 इंटू आर की पावर 3 और आर की पावर पूरा ये है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो अक्ष के अनुदिश किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 होती है, ए वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है और एक्स अक्ष से अक्ष के अनुदेश वो दूरी है जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कंडीशन ये यदि धारा लूप या वृत्ताकार कुंडली, यदि वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो क्या होगा बी बराबर म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, नोटेड बी डाउन, लिखवाना है।